गाइस, आई एम सिमी। वेलकम बैक टू माय चैनल। करवा चौथ के दिन गाइस, अगर आप बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिखना चाहते हो, बहुत सुंदर दिखना चाहते हो, आपका फेस जो उस दिन बहुत ज्यादा ग्लो करे, बहुत ब्राइट हो, हर किसी की नजर आपके फेस पे पड़े, तो इसके लिए गाइस मैं आज आपके लिए 3 स्टेप लेके आई हूँ। अगर ये 3 स्टेप्स आप कर लोगे तो आपका फेस जो है गाइस बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगा, बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। इवन उस दिन आपके हस्बैंड की नजर भी आपके फेस से नहीं हटेगी। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना फेस अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है वो करना है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए गाइस आपको क्या करना है, आपको जो है 1 स्पून जो है कॉफी पाउडर लेना है, और इसमें जो है आधा चम्मच जो है आपको शुगर डालना है, चीनी डालनी है। आधा चम्मच इसमें आप चीनी ऐड करेंगे और 1 चम्मच जो आपको इसमें नींबू का रस ऐड करना है। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसको जो स्क्रब आपने बनाया है इसको अच्छी तरह अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आप अपनी नेक पे भी लगाना चाहते हो अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लीजिए, आप अपने हैंड आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको जो 5 मिनट्स तक स्क्रबिंग करनी है अच्छी तरह। इससे गाइस आपका फेस इतना ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगा, जितनी भी आपकी जो है डर्ट है, आपकी डेड स्किन है, आपका कालापन है, वो सारा दूर हो जाएगा। 5 मिनट्स तक जो आपको स्क्रबिंग करनी है वो किस तरह करनी है, आप प्लीज मेरे हैंड की मूवमेंट्स देखिए। आपको जो है इस तरह अपने हैंड्स को, अपनी फिंगर्स को जो है ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड, बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है। तो इस तरह आपको जो है पूरे फेस पे बस आपको जो है सर्कुलर मोशन में जो है 5 मिनट तक इस तरह अच्छी तरह जो है आप पूरे फेस पे, मेरे फिंगर्स की मूवमेंट देखिए, पूरे फेस पे इस तरह आपको जो है अपने फोरहेड पे, अपने नेक पे आपको राउंड राउंड जो है सर्कुलर मोशन में गोल गोल अपनी फिंगर्स को घुमाना है। इस तरह आप 5 मिनट्स का कर लीजिए। इसके बाद अपने फेस को आप जो अच्छी तरह क्लीन कर लीजिए। फेस को क्लीन करने के बाद सेकंड स्टेप है गाइस, आपको जो मसाज करनी है फेस पे। मसाज के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और इसमें आपको 1/2 स्पून हनी डालना है, 1/2 चम्मच इसमें हनी ऐड करना है और 1 आपको जो विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड करना है और आपको 1 स्पून 1 चम्मच जो है एलमंड ऑयल इसमें डालना है। अगर आपके पास एलमंड ऑयल नहीं है तो आप जो कोकोनट ऑयल भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। ऑयल डालना बहुत जरूरी है, ऑयल से आपके फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगा और आपके हैंड भी अच्छी तरह चलेंगे, क्योंकि आपको जो मसाज करनी है वो 10 मिनट्स तक करनी है। तो गाइस इन चारों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पे अच्छी तरह पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, अपने नेक पे अप्लाई कर लीजिए। और आपको जो मसाज करनी है गाइस, आप 10 मिनट्स तक अच्छी तरह मसाज कीजिए अपने फेस की। आपको जो है पूरे नेक पे इस तरह ऊपर की तरफ आपको अपने पूरे जो लिफ्ट करना है, नीचे की तरफ आपको जो मसाज नहीं करनी है। पहले आप गर्दन की मसाज इस तरह ऊपर की तरफ करेंगे अच्छी तरह, 10-10 बार कर लीजिए। आपको इस तरह राउंड 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 इस तरह करना है, इस तरह पूरे जो फेस पे राउंड 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 अपने इस तरह पूरे फेस पे पूरा राउंड इस तरह सर्कुलर मोशन में, मेरे फिंगर्स की जो है मूवमेंट्स देखिए, इस तरह आपको जो पूरे फेस पे ऊपर की तरफ, इस तरह ऊपर की तरफ आपको हैंड लेके जाने, इस तरह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपको दबा के मसाज नहीं करनी है, आपको अपनी स्किन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो आप इस तरह पूरे फेस पे जो है मसाज करेंगे और इस तरह करेंगे, ये देखिए ऊपर की तरफ आपको लिफ्ट करना है। 10 से 15 बार आप ऐसे कर सकते हो, एक तरफ करना है, फिर आपको जो है इस तरह दूसरी तरफ करना है, फिर आपको फोरहेड पे भी इस तरह राउंड राउंड करना है और इस तरह भी करना है, ऊपर को लिफ्ट भी करना है। नोज पे भी इस तरह करेंगे, आईज पे भी आप राउंड राउंड करेंगे इस तरह, और इस तरह करेंगे, इस तरह अपनी स्किन को पूरा जो है इस तरह टाइट कर लीजिए। पूरे 10 मिनट्स तक अच्छी तरह आप अपने पूरे फेस नेक की जो है अच्छी तरह मसाज कर लीजिए। इससे मसाज करने के बाद गाइस जो थर्ड स्टेप है वो आपका फेस मास्क है। फेस मास्क के लिए आप जो है 1 चम्मच जो है कॉफी पाउडर लेंगे और इसमें जो है 1 चम्मच आपको राइस फ्लावर, आपको चावल का आटा डालना है और 1 चम्मच आप इसमें हनी ऐड करेंगे। इसमें जो आप 1 स्पून दही ऐड करेंगे और इस पैक को अच्छी तरह जो है मिक्स कर लीजिए। और इस मास्क को गाइस अपने पूरे फेस पे, अपने नेक पे, अपने हैंड्स पे
पूरे अच्छी तरह जो है आप अप्लाई कर लीजिए और इसको 15 से 20 मिनट तक आप अच्छी तरह ड्राई होने दीजिए। अपना फेस जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आपका फेस फर्स्ट टाइम में गाइस जब ये 3 स्टेप करके आप हटोगे, आप अपना फेस एक बार देखना, इतना ज्यादा आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। अगर आप ये 3 स्टेप अच्छी तरह करोगे गाइस, तो आपका फेस जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और ग्लोइंग हो जाएगा। अगर आपको करवा चौथ के दिन बहुत स्पेशल और सुंदर दिखना है तो इन 3 स्टेप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैंने और भी वीडियोज डाल रखी है स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप के एंड हेयर स्टाइल्स की, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।